गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत करता हूँ आज आपका स्टडी टू सक्सेस चैनल में। फ्रेंड्स, ये मैं वीडियो बहुत दिनों बाद अपलोड कर रहा हूँ, बस इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ आप लोगों से, क्योंकि मैं कहीं बिज़ी था। तो फ्रेंड्स, बहुत से मेरे सब्सक्राइबर्स ने मुझसे SSC टेक 52 के बारे में पूछा, जैसे सर एग्ज़ाम, रोल नंबर, सब्जेक्ट, CDS और SSC टेक में क्या अंतर है, इंटरव्यू प्रोसेस क्या है, परसेंटेज क्या होता है सर, मार्कशीट कैसे अपलोड करना होगा सर, रोल नंबर जनरेट नहीं हो रहा। तो मैंने सोचा कि सबको रिप्लाई तो मैं नहीं दे पाऊँगा, तो मैंने सोचा मैं एक इस पर कॉमन वीडियो बना देता हूँ, जिससे आपके सारे डाउट्स SSC टेक से रिलेटेड ख़त्म हो जाएँ। तो चलिए शुरू करते हैं। जो सबसे पहला बात करते हैं वो एग्ज़ाम की बात करते हैं। फ्रेंड्स, तो मैं सबसे पहले आपको बताना चाहता हूँ कि इसमें कोई भी एग्ज़ाम नहीं होता है। ऑन द बेसिस ऑफ योर परसेंटेज इन इंजीनियरिंग, आपकी जो इंजीनियरिंग में परसेंटेज होती है, उस बेस पे आपको डायरेक्ट कॉल लेटर भेजा जाता है SSB को अटेंड करने के लिए। तो फ्रेंड्स, आप पहले ये जान गए कि इसमें कोई एग्ज़ाम नहीं होता है। और हाँ फ्रेंड्स, ऑन द आपके 6 सेमेस्टर तक की परसेंटेज को कैलकुलेट किया जाता है, ना कि 8 सेमेस्टर तक की परसेंटेज को। तो आप देखें कि आपके 6 सेमेस्टर तक परसेंटेज कितनी है। फ्रेंड्स, बात करें तो रोल नंबर की, तो फ्रेंड्स फॉर्म भरने के 24 से 48 घंटे बाद आपको रोल नंबर जनरेट हो जाएगा और अपने आपको ईमेल आ जाएगा आपके मेल आईडी पे। आप मेल आईडी से उसको प्रिंट आउट करवा सकते हैं। फ्रेंड्स, सब्जेक्ट की बात करें तो इसमें कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट नहीं होता है। आपको जब SSB का कॉल लेटर आता है, आप डायरेक्ट SSB देने जाते हैं और SSB का जो इंटरव्यू होता है वो सेम रहता है। फ्रेंड्स, बात करें CDS और SSC टेक का, तो डिफरेंस ये है कि CDS में आप एग्ज़ाम देने के बाद आप SSB अटेंड करते हैं और इसमें आप डायरेक्ट SSB अटेंड करते हैं। फ्रेंड्स, इंटरव्यू प्रोसेस की बात करें तो इंटरव्यू प्रोसेस सेम है, 5 डेज SSB इंटरव्यू प्रोसेस होता है इसमें। बात करें परसेंटेज की, तो बहुत से लोगों ने ये बोला सर मेरा क्या कॉल लेटर आएगा कि नहीं आएगा, तो मैं इसलिए बात करता हूँ परसेंटेज की। तो आप जैसा देख सकते हैं कि लगा हुआ है कि किस ब्रांचेस की क्या कितनी परसेंटेज है, तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपको कॉल लेटर आएगा या नहीं आएगा, क्योंकि परसेंटेज थोड़ा वेरी करता है, ज़्यादा वेरी नहीं करता है। हाँ, मैकेनिकल स्टूडेंट्स का थोड़ा ज़्यादा वेरी करता है, बट नॉट टू वरी, उससे ज़्यादा वेरी नहीं करेगा। तो फ्रेंड्स, ये थी SSC टेक की जानकारी, और मैं वुमेंस के कट ऑफ को आपको दिखाना चाहता हूँ। फ्रेंड्स, बात करते हैं SSC टेक वुमेन के कट ऑफ्स के बारे में। तो जैसा आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे कि सिविल के लिए 70, मैकेनिकल के लिए 73, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए 79, कंप्यूटर इंजीनियरिंग के लिए 82, इलेक्ट्रिकल एंड टेलीकम्युनिकेशन के लिए 85। तो इनका थोड़ा कट ऑफ हाई जाता है, तो इसमें कॉम्पिटिशन बहुत टफ होता है, वैकेंसीज भी कम होती है। फ्रेंड्स, तो आप देख सकते हैं, इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कट ऑफ क्या है, कितना कट ऑफ, क्या कॉल लेटर आएगा या नहीं आएगा। फ्रेंड्स, एक चीज़ और, फ्रेंड्स आपको मार्कशीट अपलोड नहीं करना रहता है, आपको बस अपना परसेंटेज का उसमें डालना पड़ता है। अगर CGPA में कन्वर्ट करके उसको आपको वहाँ पे डालना पड़ता है, वो ऑटोमेटिकली कैलकुलेट करके आपके परसेंटेज निकाल करके वहाँ दे देता है कि यू हैव इतना, यू गॉट दिस परसेंटेज। तो आपको कोई भी मार्कशीट अपलोड नहीं करना, हाँ आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेकर के जाने रहते हैं SSB सेंटर में, अगर आपको कॉल लेटर आता है। सो फ्रेंड्स, ये थे सारे डाउट्स। मुझे बहुत टाइम लग गया इस वीडियो को अपलोड करने, क्योंकि मैं बहुत बिज़ी था, क्योंकि मेरा SSB था, मैं खुद SSB देने गया था। तो फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच, आपने इतना सपोर्ट, इतना प्यार दिया, और इसी तरह आप इस वीडियो को, चैनल को अपना प्यार देते रहें। थैंक यू सो मच।